उत्तर प्रदेश के विधानमंडल बजट सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को विधानसभा में पास करा दिया है। बुधवार को यूपी विधानसभा में इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। हालांकि अभी ये विधेयक विधान परिषद में पास होने के बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद ये एक कानून बन जाएगा। बता दें कि 28 नवंबर 2020 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लागू हो गया है। अध्यादेश लागू किए जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसे कैबिनेट ने 24 नवंबर 2020 को मंजूरी दी थी और इसे अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा गया था। नियम के अनुसार अध्यादेश को 6 माह के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में मंजूरी दिलानी होती है। इसी के तहत सरकार ने बुधवार को विधानसभा में विधेयक को ध्वनिमत से पारित करा लिया। अब सरकार इस विधेयक को विधान परिषद में ले जाएगी। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बनाया है। छल कपट से कोई प्रलोभन देकर या जबरन कराए गए धर्मांतरण के लिए प्रदेश में कानून लागू किया गया है। इसके तहत धर्म बदलने के लिए कम से कम 60 दिन यानी 2 महीने पहले जिलाधिकारी या संबंधित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष तय प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य होगा।